दबंगकारी प्रणाली से पूरे मध्य प्रदेश में पहचान बनाने वाले पुलिस अधिकारी एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा ने कन्नौज ज्वाइन करते हुए पहली प्राथमिकता लॉकडाउन को चुनौती के रूप में लिया। जाबाज दबंग पुलिस अधिकारी अपनी कुशल कार्यशैली और कर्तव्य निष्ठा के प्रति उत्कृष्ट सेवा के लिए राज्य सरकार से इंदौर देवास में पुरस्कृत किए जा चुके हैं। वैश्विक आपदा कोरोना वायरस के कारण असहाय गरीब श्रमिक मजदूरों के परिवारों के क्षेत्र के समाज सेवी युवा लोगों की टीम भी सक्रिय है। चर्चा में दबंग पुलिस अधिकारी ब्रजेश सिंह कुशवाहा ने बताया के अनुभाग के अंतर्गत हमारा शहर बहुत अनुशासन प्रिय है, यहाँ के नागरिकों की विचारधारा अच्छी है, इस कठिन समय में भी सभी सहयोग कर रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। हमारी भावनाएं भी किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है, पर कई बार बेवजह घूमने वालों पर कार्यवाही करनी पड़ती है। लॉकडाउन का पालन करें, घर में सुरक्षित रहें, सहयोग करें। वहीं उन्होंने लॉकडाउन के पालन की समझाइश के लिए दबंग पुलिस एसडीओपी अनुभाग कन्नौज के अंतर्गत समस्त थानों के शहर में चौक गली चौराहों पर शासन के निर्देश अनुसार अपील के माध्यम से नागरिकों को संदेश दिए जा रहे हैं। खाद्य सामग्री की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए भी व्यवस्थित मॉनिटरिंग की जा रही है। जगह जगह कोरोना वायरस संक्रमणकारी बीमारी संदेश के माध्यम से जागरूकता का अलख जगाया जा रहा है। चर्चा के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे जांबाज दबंग पुलिस अधिकारी ब्रजेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि असामाजिक तत्व अवैध गतिविधियों में जुड़े कारोबार पर हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में क्षेत्र में अपराधियों पर पूर्णतः नकेल कस दी जाएगी। सबसे प्राथमिकता तो आजकल में जो कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, उसके लिए लोगों से अपील कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, घर से बाहर ना निकलें, घर में ही सुरक्षित रहें, शासन प्रशासन के जो निर्देश हैं उनका पालन करें। पहले कोरोना वायरस पे संक्रमण पर कंट्रोल कर दिया जाए और प्राथमिकता मेरी यही है और इसी प्राथमिकता के आधार पर मैं अपने सब डिवीजन में सबको आदेश निर्देश दे रहा हूँ कि डिस्टेंस बना के रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। दूसरा ये है कि जहाँ तक ग्रामीण में गरीब बस्ती में हम लोग जा रहे हैं घूम फिर के, उनको भी थोड़ा बहुत जो भी व्यवस्था होती है खाना भी दिलवा रहे हैं, अनाज भी दिलवा रहे हैं गरीब बस्ती। कन्नौज से चंचल भारती की रिपोर्ट।